दोस्तों बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि सर हम बिजनेस कहाँ से करें, गांव से करें या शहर से करें। तो आज हम इसी बिजनेस के बारे में डिटेल से जानेंगे कि गांव से करें या शहर से करें, कहाँ पे कितना फायदा होता है, गांव में ज्यादा होता है या शहर में ज्यादा होता है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है सुनील, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों सबसे आज जो वीडियो बन रहा है सबसे महत्वपूर्ण वीडियो बन रहा है, क्योंकि ये सब चीजें छोटी छोटी सी बारीकियों को कोई बताता नहीं है और मेरे पास कमेंट्स आते हैं, तो हम सोचते हैं कि आप लोग को ये चीज बताया जाए ताकि आप लोग अपना काम बिल्कुल अच्छे से कर सकें। क्योंकि जो कोई भी पैसा लगाता है वो बहुत ही ज्यादा सोच विचार के लगाता है, लेकिन कहीं कहीं कितना भी सोचने के बाद वो लोग कहीं कहीं क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं और उस चक्कर में उनका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, उनका बिजनेस चल नहीं पाता है। तो आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों बिजनेस करना बहुत आसान है, लेकिन उसको समझना बहुत मुश्किल है। अगर यदि आप समझ के कोई भी काम करते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है उस काम को करना। तो इसीलिए हम आप लोग को सपोर्ट करते हैं और आप लोग को सोचते हैं, चाहते हैं कि आप लोग भी उस काम को कर सके जितना हम किए, ताकि आप लोग भी अपने काम में आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं तो थोड़ा मेरा हमें भी सीखने को मिले। क्योंकि जितना हम आप लोग को बताएंगे उतना ही हमें भी आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का प्यार मिलेगा, और उसी वजह से हम आप लोग को बताते हैं। क्योंकि आप लोग का ज्यादातर मेरे वीडियो पे पॉजिटिव ही आते हैं, नेगेटिव नहीं आते हैं कमेंट्स, क्योंकि हम गलत नहीं बताते, हम जो बताते हैं रियल बताते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक चीज और है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कम से कम लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आप लोग का लाइक बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे लिए। लाइक होता है वीडियो तो हम उस पर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव होके उनको हम बनाते हैं वीडियो, चलो यार कम से कम लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसे देखते तो बहुत लोग, लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं। अगर नहीं अगर पसंद है आप लोगों को तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप डिसलाइक भी कर दें या फिर मत देखें वीडियो, जिनके मतलब का वही देखें। तो लोग बिजनेस करने से पहले मन में उनका दो डाउट होता है, एक डाउट होता है कि हम गांव से स्टार्ट करें या शहर से, दूसरा डाउट होता है कि हम लेबर रखें या खुद करें। तो इन सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे। पहले बात करते हैं शहर की। अगर आप शहर से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत बार आप मूर्ख बन जाएंगे। क्यों बनेंगे? इस काम में नए लोगों को कोई वैल्यू नहीं होता है, ये हम पीछे भी वीडियो में बता रखे हैं और बहुत सारे वीडियो में बता रखे हैं। और अगर यदि आप गांव से करते हैं तो पहला नंबर आपका जो रेंट है वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। अगर आपका खुद का भी जमीन है तो उसमें बिजली महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि शहर में जाते ही आपको कमर्शियल मीटर का जरूरत पड़ जाएगा। हालांकि इसकी कमर्शियल जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आप जाते हैं शहर में तो कोई भी आपको कमर्शियल के लिए ही रिकमेंड करेगा, कमर्शियल के लिए ही बोलेगा, कुछ लोग टोर्चर करेंगे, आप मजबूर होकर कमर्शियल मीटर ले लोगे। या अगर किराया पे लेते हो तो आपको किराया भी महंगा पड़ सकता है। तो शहर में लगाने का मतलब है कि बहुत ही लॉस हो सकता है, जैसे बिजली का बिल बढ़ गया, किराया बढ़ गया, और अगर आप एक आध लेबर रख लिए तो वो भी बढ़ गया। तो इसलिए उस शहर में नहीं जाए आप, गांव में करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा क्या होगा हम वो भी बताते हैं। शहर में अगर आपका लाइट दिन में कट गया तो आप उसको नाइट में नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आप फैक्ट्री बंद करके, दुकान बंद करके शाम को घर चले जाएंगे। और अगर गांव में होता है तो आप खुद चला सकते हैं, वहां पर रात में भी चला सकते हैं। तो इसलिए शहर में ना करें। गांव में करने से फायदा क्या है? एक तो आपका किराया बचेगा, सबसे बहुत जरूरी है किराया बचेगा। दूसरा में आपका बिजली का बिल भी बचेगा। तीसरा में आप लेबर नहीं रखोगे, लेबर आपका खुद होगा। और अगर यदि इस काम को आगे बढ़ाना है तो आपको तीन चार चीजों को ध्यान रखना होगा। पहला, किराया नहीं लगना चाहिए, खुद का जमीन पे ये काम होना चाहिए। दूसरा, बिजली का बिल कम होना चाहिए, जितना कम हो सके, क्योंकि ज्यादा बिजली बिल होगा तो भी दिक्कत होगा। तीसरा, लेबर नहीं रखना चाहिए, आपको खुद काम करना चाहिए। अगर यदि आप खुद काम करते हैं तो ही आप कर सकते हैं। तीसरा तो ये हो गया। चौथा, आपको मार्केटिंग कंटिन्यू जाना चाहिए, चाहे किसी भी कोने में आप मशीन लगा रखे क्यों ना हो, लेकिन मार्केट आपको रोज जाना चाहिए। इन सब बातों को आप रखते हैं ध्यान तो ही आप इस काम में आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि शहर में नहीं गांव में लगाएं। गांव में लगाने पे आपका खुद का जगह होगा, वो पैसा बचेगा। उसके बाद अगर किराए भी लेते हैं तो जहां आप शहर में 2000 में लिए कमरा, आपको गांव में 1500 में मिल जाएगा, तो बचत है गांव में। बिजली की बात किया जाए तो बिजली आप अपने घर पे अगर लगाते हैं तो घरेलू बिजली पे आप बिजनेस को कर सकते हैं।
अगर घरेलू पे करते हैं तो आपको 3-4 रुपए रीडिंग आएगा, लेकिन अगर कमर्शियल आप लेते हैं तो उसमें भी 6-7 रुपए रीडिंग कमर्शियल में भी आ जाएगा। और यही चीज अगर आप गांव से शहर से जाके करते हैं तो शहर में आपका जो घरेलू बिजली है वही 6 रुपए आएगा, और जो कमर्शियल होता है वो 10 रुपए आएगा, तो बढ़ गया। अगर यदि आप गांव में इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट, अगर लाइट दिन में चला गया तो आप रात में भी मशीन को चला सकते हैं, क्योंकि आपके घर में मशीन लगा हुआ है, गांव में मशीन लगा हुआ है, आप रात में भी काम कर सकते हैं, लेकिन शहर में ये चीज नहीं कर पाएंगे। शहर में आपको करने के लिए वहीं पे आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप गांव में काम किए हैं तो आपके हर किसी के घर में 2-4 लोग होते हैं फैमिली में, तो जरूरी नहीं किसी लेबर को रखने का, तो आप लोग खुद सारे फैमिली मिल करके आप अपने मशीन को हैंडल कर सकते हैं, चाहे एक मशीन हो या 2 मशीन हो। लेकिन अगर कहीं जाकर के आप करते हैं तो वहां आपको लेबर रखना होगा, बिना लेबर का नहीं चलेगा, और आप लेबर रखते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। इस काम में क्या है कि जितना कम से कम आप मार्जिन रखेंगे उतना ही चलेगा, जितना कम से कम आप जो आपका खर्च है उसको करेंगे जब भी चलेगा, क्योंकि हम बताए खुद भी बताए हम कि 8 रुपए केजी पे खर्च पड़ता है, लेकिन आप लोग का जब कमेंट्स आता है मेरे पास में कि 8 रुपए में हो नहीं पाता है, लेकिन हम 5 रुपए केजी पे हम काम कर लेते हैं। हमारा कोस्ट जो पड़ता है मटेरियल तैयार करने का, 5 रुपए केजी पे हम काम करते हैं, और यही सब चीजों को आप अगर बचा के चलते हैं तो 5 रुपए 4 रुपए केजी पे आपका काम हो जाएगा। जो बनाने का, जिसका प्रोसेस है, जो बनाने का इस पे खर्च है, लागत लगता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। हम वीडियो में, कई वीडियो में बताएं कि 8 रुपए केजी पे लागत लगता है, लेकिन हम 5 रुपए केजी पे लागत में हम काम कर लेते हैं, जबकि मेरा लेबर भी है, लेकिन हमारे क्या है, हम गांव में बैठे हुए हैं, बिजली बिल मेरा कम है, जब कमर्शियल मीटर ले रखे हम, बिजली बिल कम है, जगह का किराया कम है, उसके बाद लेबर भी जो हम रखे हैं तो हम वही लेबर रखे हैं जो कि मेरा काम भी अच्छा सा करे, और सैलरी भी उनका थोड़ा किफायत हो, कम हो, ये नहीं कि 12,000 15,000 20,000 के हम लड़के रख लिए, बहुत लोग रखे हैं 15,000 17,000 के लड़के रख रखे हैं, हमारे पास लड़के जो भी 8,000 7,000 9,000 तक के, लास्ट 9,500 तक की सैलरी में हम लड़के को रख रखे हैं। तो अगर यदि आप इन सब चीजों को ध्यान रखते हैं, उनको बचा के चलते हैं, जब भी आप इस काम में आगे बढ़ पाएंगे। अगर यदि आप सोचते हैं कि हम एक मशीन लगा करके हम 4 गो लेबर रख लिए, 2 मशीन लगा के 4 गो लेबर रख लिए, बिजली बिल ले लिए, कमर्शियल ले लिए, शहर में जाके हम काम कर लिए, लेकिन स्टार्टिंग में आप तो बहुत खुश होकर करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आप धीरे धीरे आप उदास होते जाएंगे, आपके मन में इतना डिप्रेशन भर जाएगा, इतना आप परेशान हो जाओगे इन सब चीजों को लेकर कि आप उस काम को बंद कर दोगे, नहीं करोगे। तो इसीलिए अगर यदि आप काम करते हैं तो कभी भी एडवाइस लेके करें, और जब भी करें तो इन सब चीजों को सोच समझ के ही करें कि हमें कहाँ ज्यादा बेनिफिट होगा। बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि बसील लगाते हैं, गांव छोड़ के शहर में चले जाते हैं, वहां पे किराया ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे 2-3 लोगों का मेरे पास कमेंट्स आया है कि मेरा बच नहीं रहा। जब हम उनसे पूछे कि आपका क्या खर्च पड़ रहा है, कितना बिजली का बिल आता है, कहाँ पे आप रहते हैं, क्या रेंट है, कितना लेबर है, उन सब चीजों में वो बताते हैं तो हम समझ जाते हैं कि उनका क्यों नहीं बच रहा है, उनको भी हम यही बात बताते हैं। इसीलिए आज हम आप लोग के लिए भी ये वीडियो ला रहे हैं कि ताकि आप लोग भी ये गलती ना करें कि शहर में जाके रेंट ज्यादा दें, बिजली बिल ज्यादा दें और लेबर रख लें, ऐसे में कभी काम नहीं चल पाएगा आपका। अगर आप इन सब चीजों को बचा के चलते हैं जब भी आप काम कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में आपके जैसे बहुत बैठे हुए हैं कंपटीशन करने वाले, तो जब आप इन सब चीजों को बचाओगे, जब भी तो कंपटीशन करोगे आगे जा करके। और लोग कहते हैं कि गांव में रहते हैं तो सेल नहीं होता है, ये बहुत गलत सोच है। गांव में रह के भी हम सेल कर रहे हैं, महीने का 5-6 टन माल बेच रहे हैं, अगर हम गांव में रह के, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप मशीन कहीं भी लगाएं, काम डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना मार्केट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप हैंडल कर रहे हैं, कैसे आप हैंडल कर रहे हैं। जब तक आप बिजनेस को हैंडल नहीं करते हैं तब तक आपका काम कहीं भी नहीं चलेगा, चाहे शहर में हो या गांव में हो। तो इसलिए अगर इस काम को करना है और इस काम को आगे बढ़ाना है तो आपको कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा, कंटिन्यू मार्केट जाना पड़ेगा, ये हम हर वीडियो में कहते हैं, और कंटिन्यू आपको मशीन पे फोकस रहना पड़ेगा। काम हो या ना हो मशीन आपको चलाते रहना होगा, क्योंकि कई बार हम लोगों के साथ अफसोस ये होता है कि मेरे पास ऑर्डर होते हुए भी और हम ऑर्डर नहीं पूरा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब थोड़ा सा माल स्टॉक होता है तो हम काम बंद कर देते हैं, उदास हो जाते हैं कि बिक नहीं रहा है, सेल नहीं है हमारा, क्या करेंगे बना के इसको, ये सब सोच के मशीनें बंद कर देते हैं। तो इसलिए आप हमेशा आगे की तैयारी को करके चले कि कल को अगर कोई बात होता है, जैसे किसी का ऑर्डर आ गया ज्यादा, तो उनको हम तुरंत माल दे सके। और यही चीज की वजह से हम कंटिन्यू 300 दिन हम मशीन चलाते हैं, महीना का 300 दिन कोई छुट्टी नहीं, कोई संडे मंडे कुछ नहीं होता है हमारे पास,
पूरा साल मशीन चलता है। अब मान लीजिए अभी 15 दिन काम नहीं रहा, 16वां दिन मेरे पास ऑर्डर आ गया, इतना आ गया कि हम पूरा नहीं करवाते हैं, जबकि स्टॉक करते फिर भी। और वही अगर नहीं करते तो बाद में अफसोस होता कि हम काश पीछे बना लिए होते, माल जो छुट्टी पे थे तब, जब काम नहीं था तब, जब ऑर्डर कम थे तब। यही सब चीजों के चक्कर में लोग फेल हो जाते हैं और बाद में फिर किसी और पे ऊपर ब्लेम करते, किसी और को कोसते हैं कि उसके चक्कर में हम फंस गए। फंसता कोई नहीं है। कभी भी कोई भी काम करने से पहले आप अपने अंदर झांक के देखें कि हम इस काम में कितना समय दे पाएंगे, किस हिसाब से उसको हम हैंडल कर पाएंगे, क्या हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम कुछ सीखे हैं। अगर नहीं तो हम उनसे जरूर जुड़े रहेंगे जो हमें कुछ सिखा सके, क्योंकि ऐसे और सिखाने की बात है, सीखे तो कोई ऐसे नहीं सिखाएगा। आप सीखने के लिए उनके पास जाएंगे अपने फायदे के लिए, लेकिन जो आपको सिखाएगा उनको आप क्या दे रहे हैं। तो इसीलिए उन सब चीजों पर भी ध्यान रखें कि जिससे हमें मतलब है, जिनसे हमें काम करते हैं, जो हमारे लिए अच्छे व्यवहार करते हैं या फिर जो हमें कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए आपको भी कुछ करना चाहिए। जब तक नहीं करें तो कोई ऐसे नहीं आपको अपना टाइम देगा, क्योंकि आजकल का टाइम जो है सबके लिए कीमती है। और कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहे थे कि आप बीएफ पे वीडियो बनाएं, तो बीएफ का हम वीडियो बना रखे हैं कि कितने बीएफ में क्या होता है, जो ये बना रखे हैं, और कि कैसे बीएफ नापा जाए ये भी बता रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों को देंगे। कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहे थे कि पेपर मेरा मुलायम हो जा रहा है, तो उसके ऊपर भी हम आपको वीडियो बनाएंगे, उसमें भी बीएफ के बारे में बता देंगे कि कितने बीएफ का पेपर होना चाहिए, कितने का नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।